जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि क्या हमारे मज़हब में हम बिल्कुल सादे दिल से सिंपली एंड सॉफ्टली और ईमान के साथ हम नहीं चला सकते हैं? वाई डू वी नीड नॉलेज? और क्या हमारे मज़हब के अंदर कोई ऐसे कोई स्टेप्स है या ऐसे कोई दर्जा दे जिस पर हमको आस्ते वास्ते चलना होता है? या सिर्फ हमारी जो 3 टाइम की फर्जिया दुआ है और दसों डाल दिया और जितना फरमान समझ में आया उसको मान लिया और गिनान सुनकर जितने समझ में आए उसको मान लिया और जितना हमने हिदायतों को सुना वो सुन लिया और उसको मानने की कोशिश कर ली और इसके साथ इबादत में जितना बैठ सके इतना बैठ गए और जितनी इबादत कर सके इतनी कर ली, जितनी अच्छाई करनी थी वो कर ली। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेकी के लिए हमने छोटी बड़ी तमाम मजालिस में अपने नाम दर्ज करवा लिए। क्या यही हमारे लिए काफ़ी है या उससे आगे को भी कुछ है? अगर ये बात दुरुस्त है कि इतना ही काफ़ी है तो फिर ये करते 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 एक दिन हम गुजर जाएंगे और आखिर में जमात खाने में मुखी साहब हमारे लिए ये दुआ कर देंगे कि या मौला, जो रवानी आपके हुजूर में आई है आप उसको अपने हुजूर में कबूल फरमाएं, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएं, उनको नूरानी दीदार नसीब फरमाएं और उनको असल में वासिल करें। देन वॉट एल्स इज़ देयर? अब यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर यही कॉन्सेप्ट दुरुस्त है जिस तरह से हमने समझा है और इसके पीछे या इसके आगे और कुछ नहीं, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो काफ़ी है और जब आखिर में मुखी साहब हमारे लिए दुआ कर देंगे तो हम असल में वासल हो जाएंगे और इमाम के हुजूर में पहुंच जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आप सोचें कि एक और शख्स की मिसाल लें कि जो इस्माइली तो है मगर कभी जमाता नहीं आता, ना ही कभी दुआ पढ़ता है, ना ही दसों डालता है और ना ही कोई अच्छे कामों के अंदर हिस्सा लेता है या करता है, लेकिन चूंकि माँ बाप इस्माइली थे उन्होंने अपने बच्चे को भी छाटा दिलवाते हुए इस्माइली बना लिया। अब वो शख्स भी गुजर गया और मैयत के बाद मुखी साहब ने उनके लिए भी जमात के अंदर ये दुआ कही कि या मौला, ये रूहानी आपके हुजूर में आई है, आप उसको माफ़ फरमाएं, आप उसको अपने नूर से नवाजें, नूर के दीदार दें और असल में वासिल करें, और फिर सलवात पढ़ ली। अब आप सोचें कि एक शख्स जितने सारी ज़िंदगी इस्माइली होने के बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा फरमान नहीं माना जो एक इस्माइली होने के नाते से उसको मानना और करना चाहिए था, और उसके बरक्स बाकी की जमात बाकायदा दुआ पढ़ने, दसों डालने के अंदर पक्के, इबादत बंदगी अच्छे काम और दूसरे जो भी मजालिस वगैरह की तरक्की है उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। दोनों के लिए मुखी साहब ने एक ही दुआ की और अगर हमारा यकीन है कि ये दुआ करने के बाद उसकी रूह को निजात मिल गई और वो इमाम के हुजूर में पहुंच गई और उसको नूरानी दीदार हो गया और वो असल में वासिल हो गया, तो आप सोचिए कि ये कैसी बात होगी कि एक शख्स सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करे और दूसरा शख्स कुछ भी ना करे और दोनों के रिजल्ट्स एंड डेस्टिनी और आखिरी मकाम एक ही हो, तो फिर क्यों इतने अच्छे काम करने की फिक्र में रहते हैं, अपनी रूह की निजात की फिक्र में रहते हैं और हर वो काम से परहेज करते हैं कि जिसके लिए इमाम ने हमको मना फरमाया है और हर उस काम करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं जिसको करने के लिए हमें हुक्म फरमाया गया, जबकि दोनों का आखिरी रिजल्ट एक ही है। अगर हम ये बात कहें और मान लें कि ये बात दुरुस्त है तो फिर यहाँ पर हमें इमाम की रहमत पर और इमाम के तरीके पर शक होगा।
कि इमाम ने हमें फरमाया था कि आपकी रूह की निजात की एक सच्ची कुंजी यह है कि आप जमाथने आए और दुआ पढ़ें। मजहब का पाया यह है कि तस्वन डालें और अच्छे काम करें। और एक शख्स ने ये सब कुछ किया और एक शख्स ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दोनों को एक ही मकाम मिल गया। अब आप एक दुनिया की मिसाल को सोचें कि एक बच्चा 26 साल तक स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर मेहनत करता है और डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है, और एक बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे ना तो स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाऊंगा और ना ही यूनिवर्सिटी में कोई मेहनत करूंगा। लेकिन चूँकि मेरा भाई जो 26 साल तक स्कूल गया है और मेरा बाप जो पैसे वाला है, तो मुझे भी वही डॉक्टर की डिग्री मिलनी चाहिए कि जो मेरे बाप के पैसे खर्च करके मेरे भाई ने हासिल की, या मेरे बाप की बातें मानते हुए मेरे भाई ने हासिल की, वही डिग्री मुझे भी मिलनी चाहिए। तो अगर ये बात फिजिकल वर्ल्ड में नामुमकिन है, तो फिर ये बात स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नामुमकिन होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि एक शख्स सब कुछ इमाम के फरमान के मुताबिक करे, उसका सिला भी वही हो जो कि एक आदमी कुछ ना करे उसके बराबर। यानी कि क्या एक अंधा और एक आँखों वाला बराबर हो सकता है? क्या एक शख्स जो परहेजगार है और एक शख्स जो गुनहगार है वो बराबर हो सकता है? एक शख्स जो इमाम के फरामीन पर चले और एक शख्स जो इमाम के फरामीन को बिल्कुल ही ना माने, क्या वो बराबर बराबर हो सकते हैं? और एक शख्स जो इतनी मेहनत करे, सारी ज़िंदगी अपने इमाम के फरमान के मुताबिक गुजारे, और एक आदमी जो इग्नोरेंसी की ज़िंदगी, जहालत की ज़िंदगी, अंधेरों की ज़िंदगी जिए, क्या वो बराबर बराबर हो सकती है? मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर काम का सिला उसके काम के बाद मिलता है। अगर कोई आदमी लेबर करता है तो आखिर में उसको उसका अजर मिलता है। कोई आदमी मेहनत करता है तो फिर जाकर वो कुछ कमा पाता है। और ये हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे तरीके में भी, हमारे मज़हब में भी इसकी एक वाज़े रीज़न ये समझ में आता है कि हम क्यों इस तरह सोचते हैं। शायद उसकी रीज़न ये है कि हम सबको इल्म ना होने की वजह से एक सवाल जो हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूमता है वो ये है कि हमारी रूह मरने के बाद कहाँ जाएंगी। और इस सवाल का जवाब ना होने की वजह से हमने एक आसान दरमियान का तरीका निकाल लिया कि जब हम मर जाएंगे एज ए स्माइली, और जब मुखी साहब हमारे लिए दुआ कर देंगे, तो हम तमाम के तमाम इमाम के हुजूर में, यानी कि असल में वासल हो जाएंगे। एक हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात आज भी दुरुस्त है, मरने के बाद नहीं, आज भी दुरुस्त है। क्यों? कि हम यकीन करते हैं और दिन में 3 बार इस बात को दोहराते हैं कि वकुल्ले शैन अस्सनाउ फी इमाम मुबीन, हर चीज़ इमाम मुबीन में समोई हुई है। अगर हर चीज़ समोई हुई है तो हमारी रूह भी इमाम के अंदर आज भी और मरने के बाद भी समोई हुई है। तो इस लिहाज से हम तमाम इमाम के अंदर हो गए और हैं। हाँ, फर्क यह है कि इमाम के अंदर दर्जात हैं। अब सवाल इल्म के साथ ये आया कि हम कौन से दर्जे पर हो गए। यानी कि अगर हम एक मिसाल लें, और ये सिर्फ मिसाल के तौर पर है, कि इमाम के अंदर 50,000 सीढ़ियाँ, स्टेप्स, दर्जात हैं, तो फिर जब हम गुजर गए और जब हमारे लिए मुखी साहब ने दुआ कर ली और जमात ने सलावत पढ़ ली, तो हम उस सीढ़ी के कौन से स्टेप पर हो गए? हम उस दर्जात के अंदर कौन से दर्जात में हो गए? अगर सबसे नीचे का दर्जा 1 है और सबसे बुलंद यानी कि इमाम की कुर्बत का दर्जा 50,000 पर है, तो क्या हमने ऐसे नेक आमाल किए हैं कि हम इमाम की कुर्बत में हो गए,
यानी कि सीढ़ी के सबसे बुलंद स्टेप पर, यहाँ के हमने कुछ भी नहीं किया है और हम सिर्फ पहली सीढ़ी पर हो गए। हो गए तो इमाम के अंदर ही, लेकिन बहुत ही नीचे की सीढ़ी पर, यानी कि इमाम के दीदार से बहुत ही दूर। ये इल्म से हमको बात समझ में आती है। हर इंसान, चाहे वो इस्माइली हो, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, दुनिया का कोई भी शख्स है, तमाम के दिल में ये बात रहती है कि मरने के बाद हमारी सोल, हमारी रूह कहाँ जाएंगी। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ उन लोगों के पास है जो इमाम के सच्चे पैरोकार हैं, इमाम के सच्चे मानने वाले हैं, इमाम के इल्म को उन्होंने अच्छी तरह से समझा है। अब आप एक फरमान को देखें कि इल्म वाली रूह दर्जा पर दर्जा बुलंद होती है। आपने देखा इस सुल्तान मोहम्मद शाह, हमारी रूहें उन इमाम से फिदा हो, किस फरमान के अंदर क्या इमाम इशारा करते हैं कि जो इल्म वाली रूह होगी वो कभी भी पहली सीढ़ी पर बैठना पसंद नहीं करेंगी। वो दर्जा ब दर्जा अपनी रूह को तरक्की देकर मरने से पहले ही इतनी तरक्की देंगी कि जब मुखी साहब ये सिफारिश करे कि या मौला, तो इस रूहानी के बुलचुक के गुनाह माफ फरमा, तो मौला कहे कि हाँ, इस मोमिन ने, मेरे इस स्पिरिचुअल चाल ने दुनिया में हर वो काम किया कि जो मैंने फरमाया था, तो मौला उसके गुनाहों को माफ़ करेगा और उसको असल में वासिल करेगा और अपने नूरानी दीदार से नवाजेगा, यानी कि अपनी कुर्बत से नवाजेगा और अपने नूर के दीदार में, नूरानी तालाब के अंदर अपने नूर से एक करेगा, वासिल करेगा। इस शख्स ने इमाम के फरमान पर ना चलकर सारी ज़िंदगी गुजार दी, ज़ाया कर दी अंधेरों के अंदर चलते चलते और दुनिया के पीछे चलते चलते, तो फिर उसके लिए सीढ़ियाँ तो है लेकिन नीचे की कोई स्टेप होगी, ना कि इमाम की कुर्बत के पास कोई जगह। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर, यानी कि इस्माइलियों के अंदर है, कि हम तमाम एज ए स्पिरिचुअल चाइल्ड और चिल्ड्रन मरने के बाद इमाम के अंदर एक है, इमाम के अंदर एक हो जाएंगे, ये एक हद तक दुरुस्त तो है, मगर इस तरह नहीं जिस तरह से हम समझते हैं। यानी कि वो दर्जा ब दर्जा होगा और जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी वो ज़्यादा सीढ़ी पर ऊपर होगा, और जिसने कम मेहनत की होगी या कुछ भी मेहनत नहीं की होगी वो उस सीढ़ी पर नीचे होगा। और इसी तरह से फिर उसको ज़बरदस्ती इबादत करनी होगी। ये भी एक सवाल होता है कि मरने के बाद क्या हमको इबादत करनी होगी? अगर हमने अपनी इबादत पूरी नहीं कर ली होगी तो फिर करनी होगी, और अगर कम की होगी तो पूरी करनी होगी। लेकिन जब हम इमाम के अंदर, यानी कि बुलंद दर्जों के अंदर, फनाफी इमाम, फनाफी अल्लाह हो गए, तो फिर वहाँ पर माबूद और आबिद या बंदे का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर वननेस, यानी कि इकाई है, यक हकीकत है, मोनो रियलिटी है, वहाँ पर हम इमाम के नूर के साथ एक हो जाते हैं। वहाँ पर बंदे और माबूद का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके नीचे जितने भी दर्जात हैं उस सब पर बुलंदी की तरफ माबूदी और नीचे की तरफ आबिदी, यानी कि इबादत करना, बंदगी करना और ऊपर की तरफ चलना और बढ़ना और तरक्की करना, और करते 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 वो अपने माबूद में एक दिन एक हो जाता है और यहाँ तक उसको जाना होता है। इल्म से और इस कॉन्सेप्ट से, जो इल्म के साथ है, उसमें एक और फ़ायदा ये रहता है कि एक बंदा है मोमिन, एक बंदा है सालिक या एक बंदा है आबिद, अपने नफ्स पर हाथ रख कर चेक कर सकता है कि क्या उसने दर्जात की कोई सीढ़ी पाई है,
कुछ बुलंदी हासिल की है, कोई सीढ़ी पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, क्या उसने ऐसा कोई काम किया है कि वो दर्जात में आगे हो, और अगर वो इल्म से इस बात को जानता है तो सबसे पहले वो अपने आप को गेज करता है और फिर और मेहनत करता है और बुलंद चढ़ने की कोशिश करता है, फिर दोबारा से अपने आप को गेज करता है और फिर दोबारा से वो मेहनत करता है, और कभी भी वो इस रास्ते पर जो सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, इमाम के तरफ का रास्ता है, दर्जात का रास्ता है, उस पर रुकता नहीं है और उस पर बुलंद से बुलंद होता चला जाता है। दोबारा एक मरतबा इस फरमान को देखते हैं कि जो इल्म वाली रूह होगी वो दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेंगी। अब कोई यहाँ पर यह सवाल कर सकता है कि हमारे पीरों ने कहा था कि बोरे मन से सेवना, यानी कि बिल्कुल सादा मन से अपने मजहब पर चलते रहो, कोई सवाल ना करो। बोरे मन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप एक अंधे या एक बेवकूफ़ की तरह किसी चीज़ को फॉलो करते रहें जिसका कोई मतलब आपको पता नहीं है, या इल्म के बगैर किसी चीज़ को फॉलो करना। उसका नुकसान ये होता है कि जब हमारे पास इल्म नहीं है, हम काम तो कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका अजर हमको 100% नहीं मिल रहा है। लेकिन वही काम अगर हम इल्म से करते हैं तो हमें उस काम का अजर ज़्यादा और पूरा मिलता है। तो फिर हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि हमको इल्म की ज़रूरत नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम इल्म के बगैर बस जो हमारे माँ बाप ने क्या हमने कर लिया इज़ मच ईजियर, क्योंकि जब इल्म लेते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिसकी वजह से हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इल्म के बगैर मेहनत कम होती है, वो हमारे लिए आसान है। शायद इसीलिए हम इल्म से दूर रहते हैं कि इल्म लेने के बाद हमको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इल्म के साथ हमारी मेहनत जो है उसका अजर पूरा और ज़्यादा मिलता है, और इल्म के बगैर मेहनत तो हम करते हैं लेकिन इसका अजर हमको आधा या कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? कि कभी कभार हमको पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसका नुकसान हमें हो जाता है। आएंगे तो इस दर्जात के ऊपर कि भाई ये दर्जात क्या है और ये सीढ़ियाँ क्या हैं। तो जब हम इस दर्जात की बात करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में एक तसव्वुर हो, एक सीढ़ी का तसव्वुर हो, और हर दर्जा एक सीढ़ी की तरह होगा और हर सीढ़ी पर 25-50 स्टेप्स होंगे, यानी कि एक मंजिल पर चढ़ने के लिए अगर हम सपोज करें कि हमारे दरमियान यानी कि दुनिया के दरमियान और इमाम के दरमियान में 7, 8, 9, 10 जो भी आप एक नंबर लगाएं इतनी सीढ़ियाँ हैं, और फिर हर सीढ़ी पर 25 या 50 स्टेप्स हैं, तो हमको अंदाज़ा होगा कि हमको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, और फिर इल्म के साथ ये हमको तय करना होगा कि हमको कितना स्पीड में चढ़ना है, कितना तेज़ी से हम सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, वो हमारी स्पीड के ऊपर। तो आए हम सीढ़ियों के नामों को देखें। हमारे दाइयों और पीरों ने और औलियाओं ने हमें इन सीढ़ियों के नाम बताए हैं। ये नाम जो है वो उनके एक्शंस और उनके आमाल पर रखे गए हैं। इससे पहले कि हम उदूदे दीन के नामों को देखें, पहले आए और हम दोबारा से उस मोमिन की तरफ देखें कि जो ये कहता है कि मैं इमाम को अपने मज़हब को और इमाम के नूर तक पहुँचने के लिए इल्म लेना चाहता हूँ, और अब इल्म से इमाम के फरामिन को, गिरानों को, दुआ की मायनों को
हुदूद-ए-दीन की किताबों को और हर चीज़ को वो इल्म के साथ समझने की कोशिश करता है। जैसा से हम इमाम के खारदर के 2000 के फरामन को देखें, ये अक्टूबर 2000 खारदर का फरमान है, जिसमें मौला फरमाते हैं कि आप उन क्लासेस के अंदर हिस्सा लें या शरीक हो कि जहाँ पर इल्म की बातें बातें होती हो, यानी कि इल्म की ऐसी क्लास में शामिल होना हकीकत में इमाम के फरमान को मानना है। इल्म की इन क्लासेस में बैठकर इल्म को सीखना ऐसा है जैसा इल्म के फरमान के मुताबिक इल्म शनासी के अंदर मजबूत होना है, इल्म शनासी हासिल करनी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं इमाम को कि आपके फरमान के मुताबिक हम इधर आएंगे और इल्म हासिल करके हम आपको पहचानेंगे। अब आए हुदूदे दीन के नामों को और दर्जात को और स्टेप्स को समझें, जिससे हमको ये पता चले कि हम कौन से दर्जे पर हैं या क्या हम किसी दर्जे पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और इसको हमारे दायों ने, जैसा कि हुदूदे दीन ने अपनी किताबों में हमारे लिए इन बातों को लिखा है, इस तरह से हम इसको समझें। जैसा कि वजह दीन या ऐसी दूसरी बहुत सारी किताबें हमारे सामने हैं जहाँ से हमको ये रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो पहली सीढ़ी देखें आप, और याद रखना कि हर सीढ़ी के दरमियान में बहुत सारे स्टेप हैं। तो हमारे हुदूदे दीन की पहली सीढ़ी मुस्तजीब है, और मुस्तजीब का मतलब ये होता है कि वो मोमिन शख्स जिसने इल्म लेने की हामी भरी है, सिर्फ एडमिशन लिया है, अभी इल्म लेना शुरू नहीं किया है, कि आज के बाद अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, कि आपने अभी तक पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, कि आप ऐसे मोमिन के दर्जे पर हैं कि जिसने अभी तक इल्म लेने की हामी नहीं भरी है, या ऐसे मोमिन के दर्जे पर हैं कि जिसने इमाम के फरमान के मुताबिक इल्म लेने की हामी भरी है और मुस्तजीब के पहले स्टेप पर कदम रख दिया है, ये कहते हुए कि मैं इल्म लेकर इमाम को जानना चाहता हूँ, अपनी रूहानी तरक्की करना चाहता हूँ, इमाम के नूर को देखना चाहता हूँ। सिर्फ उसने ये कहते ही अपना दर्जा बढ़ा लिया बाकी तमाम मोमिनों से। अब आप देखें कि यहाँ पर आप जो तमाम बैठे हुए हैं कि वो मोमिन जिसको हम जनरल टर्म में मोमिन कहते हैं, क्या आप उसके अंदर हैं या आपने मोमिन के आगे बढ़ते हुए हुदूदे दीन की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया है। अब आपको कितना आगे चलना है, कितना तेजी से चलना है, वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, यह बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्पीड और कितना आगे जाना है। तो अब हम देखें कि मुस्तजीब के बाद दूसरी सीढ़ी का क्या नाम है, उसको माजून कहते हैं। माजून जो है वो एक काम्बो वर्ड है, माजून। माजून जो है वो एक ऐसे मोमिन शख्स को कहते हैं कि जिसके पास इज़्ज़त हो, माजून, इज़्ज़त रखने वाला। किस चीज़ का इज़्ज़त रखने वाला? इल्म देने का इज़्ज़त है उसके पास। इज़्ज़त कहते हैं इजाज़त को, यानी कि उसको इल्म देने की इजाज़त है। तो यहाँ पर वो लोग जो इल्म लेने के बाद इल्म को बयान कर सकते हैं, उनके पास इजाज़त है, यानी कि उन्होंने इल्म लेकर और इसके बाद इजाज़त मिलने पर इल्म देने का तय किया है। तो आपका टाइटल क्या होगा? माजून ने महदूद, कि आप सिर्फ इतना इल्म दे सकते हैं जितना इल्म आपको दिया गया है और जितनी इजाज़त आपको दी गई है।
माजून है मेदूद के बाद स्टेप जो है वो माजून है मुतलक है, यानी हदूद दीन की तीसरी सीढ़ी माजून के बाद माजून है मुतलक, यानी कि मुस्तजिब, माजून है मेदूद और माजून है मुतलक। माजून है मुतलक एक ऐसे शख्स को कहते हैं, यानी कि ऐसे मोमिन को कहते हैं कि जिसने इल्म लेकर और उसको इजाज़त मिली है, मुकम्मल इजाज़त कि वो इल्म दे सके, यानी कि वो माजून ने महदूद को भी इल्म दे सकता है, मुस्तजिब को इल्म दे सकता है, और उसके पास ये मुकम्मल इजाज़त है इल्म देने की, यानी इसने अपने इल्म को पका किया है और अब उसके पास इजाज़त है और मुकम्मल इजाज़त है। किसके मुकाबले में? माजून महदूद के मुकाबले में इसके पास मुकम्मल इजाज़त है। अब माजून मुतलक ना सिर्फ वो खुद पढ़ता है बल्कि वो माजून महदूद को भी पढ़ाता है और मुस्तजीब को भी पढ़ा सकता है, यानी कि अपने नीचे के दर्जात को भी वो पढ़ा सकता है और उसकी इसके पास इजाज़त है। तो आपने देखा कि इसका दर्जा माजून और माजून महदूद दोनों से ऊपर है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि जो इल्म लेते लेते इस दर्जे तक पहुँच गया है कि वो किसी को इल्म दे सकता है और मुकम्मल इजाज़त है उसके पास, तो फिर वो माजून मुतलक के दर्जे पर होगा। लेकिन वो यहाँ पर खामोशी से बैठकर अब भी इल्म लेता है अपनी आजीज़ी के साथ और नहीं कहता है कि मेरे पास बहुत इल्म है, मुझे इल्म की ज़रूरत नहीं है। वो इमाम के इल्म को लेता रहता है अपनी तरक्की के लिए। ये क्यों? क्योंकि शायद कभी कभार हमें वरी होती है कि हम कहाँ पर हैं, कि हम इतने सालों से इल्म ले रहे हैं, इतने सालों से हम जमात में जा रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन ये सुनने के बाद हमें ये इत्मीनान आता है, हमें खुशी होती है कि नहीं, हमने हमारी मेहनत जो है और जो मेहनत हमने की है उसके अंदर हम कुछ आगे बढ़े हैं, एक दो तीन कदम हम आगे बढ़े हैं। इसमें गुरूर की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए हमारे पास इल्म के साथ एक ऐसा गेज है कि हम बता सकें कि हम कौन सी सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। गुरूर की कोई हरगिज़ बात नहीं है इसके अंदर। इसके बाद जो चौथी सीढ़ी है उसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा कि पिछले तीन दर्जात की जो हमने बात की वो शायद हमारे लिए नए टर्म्स हैं, नए नाम थे, लेकिन चौथी सीढ़ी का जो नाम है वो हमारे यानी कि खोजा जमात में, इंडो पाकी जमात में आम तौर पर हम सुनते आए हैं और वो है दाई। अब यहाँ पर दाई के भी दो दर्जात होते हैं, दाई मेदू और दाई मुकम्मल। जिस तरह से माजून ने मेदूद था और माजून ने मुतलक था, इस तरह से यहाँ दाई मेदूद और दाई मुतलक। और ये इमाम की तरफ की चौथी और पांचवी सीढ़ी है जो दाई के नाम से है हमारे सामने। अब दाई क्या करता है, उसका एक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि वो इमाम की इजाज़त से मुस्तजिब को भी पढ़ा सकता है डायरेक्टली, और वो अपने नीचे यानी कि माजून और माजून मुतलक को भी तैयार कर सकता है ताकि उनके ज़रिए से वो मुस्तजीब को सिखा सके। ना सिर्फ ये बल्कि वो जमात के अंदर दावत भी कर सकता है। तो आप कहेंगे कि ये कौन सी दावत है जबकि हमारे जमात करने के अंदर, हमारे तरीके के अंदर कोई दावत नहीं है, क्योंकि हम किसी के नए शख्स को इस्माइली बनाने की इजाज़त नहीं है हमारे पास। लेकिन ये इल्म की दावत है, यानी कि वो किसी मोमिन शख्स को कि जिसको वो चाहे कि जो एक अच्छा इस्माइली है, एक मोमिन है, उसको वो इल्म की तरफ दावत दे सकता है। तो यहाँ पर दाई का काम इल्म की तरफ दावत देना है किसी मोमिन शख्स को,
उसके साथ साथ वो मुस्तजिब को भी पढ़ाता है, माजून को भी तैयार करता है ताकि वो माजून फिर जाकर अपने नीचे के दर्जात को पढ़ा सके, इल्म दे सके। तो ये दाई का काम रहता है। तो दाई मेदूद और दाई मुतलक, तो जो दाई मुतलक है वो दाई मेदूद को भी इल्म दे सकता है। अब दाई मुतलक जो है वो किससे इल्म लेता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने जितनी भी बात की आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हर सीरी का लेन देन, इसका जो रिलेशनशिप है वो इल्म से है। यानी कि अगर आप इल्म में नहीं है तो आपको इन सीढ़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही इन दर्जा से कोई ताल्लुक़ है, ना ही इमाम की तरफ बढ़ने से कोई ताल्लुक़ है। सिर्फ ये उन लोगों के लिए है कि जो इल्म के अंदर आते हैं और इल्म सीखना चाहते हैं और इमाम की तरफ जाना चाहते हैं। यानी कि वो ये कहते हुए आते हैं कि हमें इल्म की ज़रूरत है ताकि हम इमाम को इमाम के फरामीन के साथ पहचान सकें और इमाम के कुर्बत को हासिल कर सकें। अगर आपका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इनको ना तो आपको याद करने की ज़रूरत है ना इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो इल्म चाहते हैं और इल्म के अंदर रहकर रूहानियत के अंदर और इमाम की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं, ये सिर्फ उसके लिए है। तो दाई जो है वो अपने से नीचे जितने भी दर्जात है, इंक्लूडिंग एक ऐसे इस्माइल मोमिन को दावत भी कर सकता है इल्म की तरफ, कि जो इमाम की तरफ और इमाम के नूर की तरफ तरक्की करना चाहता है। और दाई ही है जो माजून को इजाज़त देता है इल्म देने की, और दाई है जो माजून मुतलक को पूरा इल्म देकर उसको पूरी इजाज़त देता है कि वो जाकर नीचे के दर्जात को इल्म दे। अब दाई से ऊपर का जो दर्जा है वो हुज्जत का दर्जा है। हुज्जत जिसको हम अपनी इंडो पाक की लैंग्वेज में या हमारी खोजा लैंग्वेज में पीर कहते हैं, और आउटसाइड द इंडो पाक या खोजा जमात के उसको हिज्जत हुज्जत कहते हैं। जिस तरह से पीर नासिर खुसरो को हुज्जते खुरसान कहते हैं, यानी कि पीर ऑफ खुरसान। जिस तरह से हमारे पीरों को जो इंडिया पाकिस्तान में आए हैं हमने पीर कहा, इसी तरह से जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और इवन नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ जो पीर भेजे गए हैं उनको उनकी ज़बान में हुज्जत कहा गया। और जिस तरह से हमारी जमात के अंदर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पीर का टाइटल मिल सकता है, जिस तरह से पीर सबज़ा अली, इसी तरह से इमाम उस तरफ किसी को ज़्यादा से ज़्यादा एक हुज्जत का टाइटल दिया करते थे। और इन हुज्जत के नीचे 30 दाई हुआ करते थे जो हुज्जत के साथ मिलकर उस ज़माने में मजहब की दावत करते थे। चूँकि आज का ज़माना पीरातन और इमामत एक हो चुकी है, तो अब ये दावत यानी कि आउटसाइड इस्माइली दावत जो है वो नहीं है और बंद है। इसलिए अब ना तो हमको पिरातन कहीं नज़र आती है ना ही हमको कोई हुज्जत नज़र आते हैं। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि वो नहीं है, वो सिर्फ इमाम के साथ एक हो चुके हैं। अब जिस तरह से माजून के अंदर और दाई के अंदर दो दर्जात रहते हैं, इसी तरह से हुज्जत के अंदर भी दो दर्जात हैं। एक हुज्जत नीचे का दर्जा और एक हुज्जत आज़म ऊपर का दर्जा। हुज्जत आज़म इमाम के ऐसे बेटे को कहते हैं कि जो आगे जाके इमाम हो जाता है। और उसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल क्या होगी? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इमाम अली शाह। इमाम अली शाह जो थे वो इमाम हसन अली शाह के ज़माने में हुज्जत आज़म थे और आगे जाकर वो इमाम बन गए। तो अगर मौला अली के ज़माने में हम देखें तो इमाम हुसैन हुज्जत आज़म हो गए और इमाम हसन हुज्जत हो गए।
ये एक अच्छी मिसाल है हमारे पास। तो इमाम के अगर कुछ बेटे हैं, चार बेटे हैं, पांच बेटे हैं, तो तमाम के तमाम इस दर्जे को रखते हैं, यानी कि उज्जत के दर्जे को रखते हैं, लेकिन उसमें से वो बेटा जो उज्जत आजम होगा वही आगे जाकर इमाम बनता है। तो जब इमाम अपने बेटों में से किसी एक को इमामत देना चाहते हैं तो उसका टाइटल इमाम है, का दर्जा हुजरत आजम रहता है, और वहीं से इमामत का सिलसिला जारी और सारी रहता है। लेकिन अगर इमाम किसी मोमिन पर नवाजिश करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको पीर या हुजरत का दर्जा देता है, लेकिन कभी भी वो हुजरत आजम का दर्जा नहीं रखता है, क्योंकि ना तो वो कभी इमाम बन सकता है और ना ही उसको इमाम बनना होता है और ना ही वो कभी इमामत का दावा करता है, लेकिन हुजरत के दर्जे तक पहुँचाता है। और ये बहुत बड़ा दर्जा है समझने वालों के लिए है, क्योंकि हुज्जत इमाम के बेटों में से हो सकते हैं, और हुज्जत वो होते हैं जिसको इमाम डायरेक्टली खुद इसमें आदम देकर इल्म देता है, यानी कि अब उसका इल्म जो है वो किसी से नहीं मगर इमाम से खुद से आ रहा है। तो वो इल्म जो इमाम से आ रहा होगा वो कैसा इल्म होगा, आप सोचें, वो इल्म जो इमाम से आता है वो कैसा इल्म होगा, ये इल्मे लदूनी होगा, ऐसा इल्म जो किसी और के पास नहीं होगा, वो इल्म उसके पास होगा, इतना बड़ा उसके पास दर्जा होता है। अब हुज्जत के लिए हमारे हुदूदे दीन ने एक और टर्म यूज़ की है जो है बाब, बाब जिसको हम दरवाज़ा कहते हैं, डोर कहते हैं। बाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इमाम के नूर की तरफ मोमिनों के लिए दरवाज़ा होते हैं, यानी कि इमाम के नूर तक पहुँचने के लिए वो एक दरवाज़े का काम करते हैं। और जो हुज्जत आज़म होता है उसको बाबुल अबवाब कहते हैं, यानी कि दरवाज़ों का दरवाज़ा। क्यों? क्योंकि ये वो इमाम के बेटे होते हैं कि जो बाकी इमाम के बेटों के लिए भी जो दरवाजे का काम करते हैं, और जमात के लिए भी, मोमिनों के लिए भी, और मुस्तजीब के लिए भी, दाइयों के लिए भी, और तमाम इंसानियत के लिए वो इमाम के तरफ जाने का दरवाज़ा बनते हैं, यानी कि उससे ही इमाम के नूर तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि इस दर्जे से गुजरने के बाद कोई शख्स इमाम के नूर तक पहुँच जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि जब इमाम यानी कि पिछला इमाम इस बेटे के अंदर अपना नूर, अपना इज़्ज़त, अपना अमर दे देता है तो इमाम का नूर इसी दरवाजे से लोगों के लिए उजागर होता है। सुभान अल्लाह, इमाम का नूर इसी बेटे के दरवाजे से तमाम लोगों के लिए उजागर होता है, और यहाँ से ही मोमिनों का इमाम का नूर मिल जाता है, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टर्म को दोबारा याद कर लें, बाब और बाबुल अबवाब, दरवाज़ों का दरवाज़ा, हुज्जत और हुज्जत आज़म। अब ये सीखने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हम तरक्की करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे निकलते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ पर हैं, इल्म के ज़रिए से, यानी कि इल्मुल यकीन के ज़रिए से हम बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं। और अगर कोई खुश नसीब शख्स इबादत के ज़रिए, खूब इबादत करके, इसमें आज़म के ज़रिए से अपनी बातिन का खोल लेता है तो फिर वो कह सकता है और देख भी सकता है कि वो इस सीढ़ी के कौन से दर्जे पर है, और उससे उसको ये फ़ायदा रहता है कि अगर वो किसी कम दर्जे पर रह गया है तो फिर वो खूब कोशिश करते हैं, वे आगे से बढ़ता चला जाता है, और उसके लिए मुस्तजीब से करते करते दाई और हुज्जत और हुज्जत आज़म का दरवाज़ा खुल जाता है, और वो इमाम के नूर से रसा हो जाता है। और जब ये मोमिन दर्जे तक पहुँचता है
तो आप सोचें कि उसके पास कौन सा इल्म होगा और कौन सा नूर होगा, आप उसका अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं। कम से कम इल्म और यकीन के लेवल पर तो हम कर ही सकते हैं, और इंशाल्लाह एक दिन जब हमारी बातिन की आँख खुल जाएंगी तो हम देख भी पाएंगे इसको और समझ भी पाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस मकाम पर हम उस फरमान को भी याद करें कि जहाँ पर मौलाना फरमाया कि आप पीर जैसे बन सकते हैं, आप फरिश्ते जैसे बन सकते हैं, आप पैगंबर ईसा जैसे बन सकते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये इल्म की समझ के साथ हमको समझ में आया और बातिन की आँखों से हम देख पाए कि क्या हम कोई दर्जा पा चुके हैं या हम पा सकते हैं, हम उस रास्ते को देख सकते हैं। अब वो फरामीन को ज़्यादा गौर से सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। अब जब वो अपनी आंखें खोल देंगे बातिन की, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या देखता होगा और वो कितना शादमान होगा उस मकाम को पाकर कि जो हजारों लाखों दूसरे मोमिनों ने नहीं पाया उसने पा लिया। और इसकी समझ आज शायद हमको नहीं है क्योंकि आज हम उस मकाम पर नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह अली अलाम पर मेहरबान है, इंशाल्लाह वो चाहेगा तो हम भी एक दिन दर्जा ब दर्जा स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे निकल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आखिरी बात करते चलें कि एक फरमान याद आ आया और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि फरमान कुछ इस तरह से है कि मोमिन की आंख से डरना चाहिए। क्योंकि हमको पता नहीं है कि जमात के अंदर कौन ऐसा मोमिन है जो कौन सा दर्जा पा चुका है। सपोज करें कि जमात के अंदर आप किसी शख्स को देते हैं और आप उससे किसी वजह से भी उसकी गिला गिबत कर देते हैं या उससे बदतमीजी कर देते हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो मोमिन शख्स उस दर्जे पर पहुंचा है जो जहाँ पर वो इमाम के साथ एक है और इमाम उसकी आंखों से हमको देख रहा है। आपने सुना है ना कि मोमिन की आंखों से खुदा हमको देखता है, इमाम हमको देखता है, लेकिन चूंकि उस मोमिन के सर पर कोई सिंग नहीं है, हमको पता नहीं है कि ये मोमिन शख्स कौन से दर्जे पर पहुंचा हुआ है, तो खुदा के वास्ते हम लोगों की गिला गिबत, मोमिन शख्स की गिला गिबत या जमात खाने के अंदर या किसी के साथ भी बदतमीजी ना करें हरगिज़। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो शख्स जिसके साथ हम ये कर रहे हैं वो उस दर्जे पर पहुंचा हुआ है जहाँ पर वो इमाम के साथ एक हुआ है, आपने ये हदीस कुर्सी सुनी होगी, आप जानते हैं ना हदीस कुर्सी क्या है। हदीस कुर्सी ऐसी आयतों को कहते हैं, ऐसी सूरहों को कहते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल तो हुई थी लेकिन किसी वजह से उनको कुरान के अंदर जगह ना मिली। वो वजूहत अलग है, आज का टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन खुदावन ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था। तो ये देखें आप, ए बनी आदम तू मेरी इताहत कर, मैं तुझे अपने जैसा बनाऊंगा। जब तू हकीकी मानों में मेरी इताहत करेगा तो मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा और मैं तेरा हाथ बन जाऊंगा, मैं तेरी आंख बन जाऊंगा। यहाँ तक हम रोकते हैं। अगर इमाम किसी से खुश होता है तो इमाम उसकी आंख बन जाता है। अब वो मोमिन की आंख से हमको देखता है। अगर हमने जमात के अंदर किसी ऐसे मोमिन शख्स की बुराई कर दी जो इमाम के फरमान के खिलाफ है कि आप अपने दीन भाई की गिले गिबत ना करें, या हमने ऐसे मोमिन शख्स के सामने बदतमीजी कर दी कि जिसकी आंख से इमाम हमको देख रहा है, तो वल्लाह ऐसा होगा जैसा हमने इमाम के साथ बदतमीजी कर दी और इमाम की हमने बुराई कर दी। मौला हमको माफ़ करें और ऐसे अजीम गुनाहों से हमको बचाए। तो खुदा के वास्ते मेरी आपसे ये अर्ज़ है, और इमाम के इस फरमान को सामने रखते हुए आप सोचें और हरगिज़ हरगिज़ ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे इमाम हमसे नाराज़ हो जाए और हम दूसरे लोगों की गिला की बात करना छोड़ दें। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कौन शख्स
कितने दर्जे पर पहुंचा हुआ है, और ये तमाम मुमकिनात में से है। इमाम का फरमान है कि आप इसे बन सकते हैं। हमको यकीन करना है कि हमारी जमात में ऐसे लोग हैं जो इस दर्जे तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमें नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता है कि वो कौन शख्स है, हम तमाम ऐसी हरकतों से गुरेज करेंगे, हम किसी की गिला की बात नहीं करेंगे और किसी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि जिससे मौला हमसे नाराज़ हो। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मौला के हुजूर में दुआ है कि या मौला तू हमको हकीकी समझ दे, हकीकी इल्म दे, और या मौला हमको हर उस बुरे काम से दूर रख जो तुझे पसंद नहीं। या मौला तो हमारे से हर वो अच्छा काम करा ले जो तुझे पसंद है, और अपने रास्ते में अपनी तरफ का जो रास्ता है सिरातल मुस्तकीम का, उस पर हमको आगे से आगे बढ़ा, हमको हकीकी इल्म दे, इबादत में मजबूत रख, इसमें आदम में हमको पूरा कर, ताकि हम भी इस सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तेरी कुर्बत को पहुँचें, तेरी मंजिल पर पहुँचें, तेरा जो नूर है हम उस तक पहुँचें, ताकि हम हकीकी मायनों में वो चीज़ देख सकें जो हम तू चाहता है हम देखें, और हम उस इल्म को समझ सकें जो चाहता है कि हम समझें, और उस इल्म से दूर रहें जो तेरा इल्म नहीं है, जो हकीकी इल्म नहीं है। या मौला तो हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए हम पर रहम कर, करम कर। शुक्र मौला, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अली अल्लाह, नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी आज़िम इमाम, पाक व बरतर नाम तेरा ही है मौला। या अली मदद, या अली मदद।